क्या हुआ सोडी, इतनी जल्दी वापस आना पड़ा? डॉक्टर हाथी, सोडी के पेट में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह कुछ और है। क्या? इसके पेट में कांच है। कांच? कांच? तुरंत परफेक्ट हॉस्पिटल पहुंचो। परफेक्ट परफेक्ट, समझ गया समझ गया। समझ में आ गया ना? हाँ। वहाँ जाओ तुरंत, वहाँ जाके एक्सरे कराओ, डॉक्टर निराली से मिलो। मैं फोन कर देता हूँ कि तुम लोग आ रहे हो। देखिए मिस्टर सोडी, आपके पेट में कांच का टुकड़ा है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो इंटरनल इंजरी बढ़ जाएगी। अरे ये क्या हो गया पिडू, वो आज तक इंजेक्शन नहीं लगा और अभी सीधे डायरेक्ट ऑपरेशन। सोडी तुझे करवाना ही पड़ेगा ऑपरेशन। और रोशन, उसको कैसे बताएंगे, उससे कैसे ये सब छुपाएंगे यार? अभी तो ठीक हो ही गया है तो जल्दी से घेरा के बच्चे को घुमाने ले जानी। हाँ डार्लिंग, मैं अभी घर आ रहा हूँ और बच्चे को घुमाने ले जाता हूँ। तुझे सिर्फ पार्टी शार्टी करना है ना, अब तू आखिरी जिंदगी बैठ कर पार्टी शार्टी कर। आज से तेरे लिए इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। रोशन घर से निकाल दे, दिल से मत निकाल यार। चुप, घर से बाहर निकल, चल। अरे रोशन, रोशन मेरी बात तो सुन, मेरे पेट में रोशन। अरे रोशन मुझे घर से मत निकाल। अरे रोशन मुझे दिल से मत निकाल। अरे सुन मेरे पेट में रोशन। सूड़ी, ए सूड़ी, क्या हुआ? ये सपना था पिडू, ड्रामने सपने आ रहे हैं यार। रोशन को पता चलेगा तो वो घर से निकाल देगी, घर से ही नहीं दिल से निकाल देगी यार। और अगर पेट से ये कांच नहीं निकाला तो दुनिया से निकल जाऊंगा दोस्त, मुझे इस धर्म संकट से निकाल। अरे किधर से क्या निकालो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोड़ी सोड़ी तेरी हालत है ना, वो दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह हो गई है। तू जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना उतना ही अंदर फंसता जाएगा। यार पिडू, मैंने रोशन से झूठ बोला, झूठ बोलकर उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया। सच में अपनी पत्नी से धोखा करने वालों का यही होना चाहिए। सही बात है डॉक्टर निराली, ऑपरेशन इज मस्ट, वरना सोडी का बढ़ जाएगा कष्ट। अरे हाथीपुरा, मुझे इस ऑपरेशन से बचा लो यार। अरे सोडी चिंता मत करो, 3 दिन का ऑपरेशन है, फिर 1 घंटे का आराम, फिर छुट्टी। क्या कहते? अरे नहीं नहीं, मतलब 1 घंटे का ऑपरेशन, 3 दिन का आराम, फिर छुट्टी। और तब तक रोशन मेरी छुट्टी कर देगी यार। सोडी जैसी करनी वैसी भरनी, पार्टी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देखो सोडी, तुम्हारा काम है अपने परिवार का ध्यान रखना, उनकी चिंता करना, और हमारा काम है तुम्हारा ऑपरेशन करना। डॉक्टर निराली, ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। यस सर। मिस्टर सोडी, ऑपरेशन से पहले आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। सर एक। हाँ क्यों नहीं। यार पिडू, बीड़ू बीड़ू करना बंद कीजिए, ये ड्रेस पहन के आ जाइए। पहले यार पहले चलो। अरे फिर से वही दवा, घर पे खाई थी? नहीं तो। मिसेस सोडी, अभी थोड़ी देर में आपको टेस्ट के लिए लेके जाएंगे डॉक्टर हाथी, अराउंड 4 बजे हम इनका ऑपरेशन कर सकते हैं। इज दैट फाइन? या फाइन। तब तक मैं बाकी पेशेंट। यस प्लीज प्लीज, थैंक यू सर, कैरी ऑन। या ओ माय गॉड, खुदाई जी है, क्यों हो गया? अरे आतिपरा, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। छोटी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 दिन और लेट हो जाते ना तो तकलीफ बढ़ जाती ना? पता है मुझे डॉक्टर निराली ने क्या कहा? नहीं। पिछले हफ्ते एक पेशेंट आया था, उसने अपने दांतों से सोडा बोतल खोलने की कोशिश की, बोतल टूट गई और कांच उसके पेट में चला गया। नाउ ही इज वेरी सीरियस, अभी ICU में है। अरे देवा। आतिपरा क्यों डरा रहे हो, मुझे ऑलरेडी दो डर है यार। दो डर? अरे एक ऑपरेशन का, दूसरा रोशन का। रोशन भाभी का तो टेंशन मैं नहीं कम कर सकता सोडी, लेकिन ऑपरेशन की टेंशन तू मत ले। डॉक्टर निराली बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है। हाँ थैंक यू। सोडी, अरे सोडी ये क्या किया तूने? कांच खा गए? अरे अय्यर परा, कोई जानबूझ के कांच खाता है क्या? वो तो पार्टी शार्टी में निकल गया। तुझे कैसे पता? मेरे को डॉक्टर हाजी ने बताया। अरे भाई तुमने पार्टी की, ये तो अय्यर को पता ही था ना। अरे हाँ। छोड़ अंकल, छोड़ अंकल, पापा पापा तोने क्यों आ गया? हाँ क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? हाँ अंकल क्या हुआ? हाँ बोलो। छोड़ अंकल,
आपके पेट में कांच है तो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना। हाँ पापा। सॉरी अंकल, गेट वेल सून। हाँ अंकल, गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अरे एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अरे यार सॉरी, तू हॉस्पिटलाइज हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। डॉक्टर हाथी आपने भी नहीं बताया। अरे पोपटलाल, ये कोई खाने की पार्टी नहीं है कि मैंने अकेले खा लिया और तुम्हें नहीं बुलाया। अरे भाई, ये सोडी से नाराज होने का टाइम नहीं है, इसके साथ देने का टाइम है। पोपट, तुझे किसने बताया? अय्यर ने। अय्यर? तो सोडी ये भी थे ना पार्टी में? तो बच्चों को किसने बताया? मैंने। क्यों, बच्चे थे पार्टी में? मतलब बच्चों को नहीं बताना था? नहीं। तो फिर सारी गलती अय्यर की है। अय्यर, तुमने मुझे जब सोडी के बारे में बताया तो बोलना चाहिए था ना कि बच्चों को नहीं बताना है। सोडी अंकल, हमें क्यों नहीं बताना था? हम क्या पराए हैं? हाँ सोडी अंकल। ना पुत्र। हाँ पापा, अब टप्पू शर्मा में मेरी नाक कटवा रहे हो। ऐ गल नहीं है पुत्र, मेरी गल समझ। सोडी अंकल, अब तो आपके पेट से कांच निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। हाँ। पापा, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। पापा आप अपने पेट पे मुक्का मारिए और कांच टूट के चूरा हो जाएगा और इंजरी नहीं होगी। शाबाश होगी, ऐसा आइडिया तू ही सोच सकता है। थैंक यू, पर ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी पापा। ओ कोई गल नहीं पुत्र, वो आइडिया तो आया ना। अच्छा एक बात बता, मैं मम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं पापा। थैंक यू। पर मैंने अपनी मम्मी को बताया। मेरी प्यारी भाभी, हो रोशन को तो नहीं लाए ना? आए हैं ना, बुलाती हुआ रोशन भाभी। चलो मर गया सोड़ी। मर गया। देखो रोशन भाभी, ये वक्त गुस्से का नहीं है। हाँ रोशन भाभी, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। हाँ शांति से। रोशन भाभी, हम लोग फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, शांत हो जाइए। रोशन मेरी जान, मेरी बात तो सुन। एम हाँ रोशन, तो कल रात को तूने मुझसे झुट्टू बोला था? I'm so sorry, रोशन। सॉरी? खबरदार जो सॉरी बोला तो। बेशरम, पार्टी शार्टी करते वक्त याद नहीं आएगा सॉरी बोलना पड़ेगा? रोशन एक्चुअली वो जो बल्लू आया था ना, तो उसने बोला कि अपना अमर जीते 7 साल के लिए कनाडा जा रहा है, फिर पता नहीं कब आएगा, तो इसलिए पार्टी शार्ट। अच्छा, कल को बल्लू भाई बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन चल के पार्टी शार्टी करते हैं तो तू डर जाएगा। सही बात है, पुलिस स्टेशन में थोड़ी ना कर सकते हैं पार्टी शार्टी। हाय जॉनी, आटलू भेजू चाले छे तो रोशन को पार्टी शार्टी करना अच्छा नहीं लगेगा, उस टाइम पे ये बात भेजे में नहीं आई। आई एम वेरी सॉरी रोशन। नो सॉरी, कितना विश्वास किया था मैंने तुझ पे, मेरी ये सभी सहेलियों के सामने मैं कितना खुश होकर कितना प्राउड से बोलती थी। मारो रोशन तो अभी सुधर गया है, वो तो मेरी अखी बात मानता है, मुझसे झुट्टू बोलता ही नहीं है, कभी भी गुस्सा भी नहीं करता है और मेरी बात मानकर पार्टी शार्टी भी नहीं करता है। अभी ये सब मुझ पे हंसेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी, पता नहीं क्या क्या कहेंगी। रोशन भाभी, हम लोग कहा कुछ कह रहे हैं? हाँ। आप लोग बोल नहीं रहे हो लेकिन मन ही मन सोच तो रहे हो ना? मतलब आप ऐसा सोच रहे रोशन भाभी? देखिए आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा तो गैस पर रखे हुए खाने की तरह होता है, वक्त पर उसको संभालना लेना तो जल जाता है। मतलब गुस्सा इंसान के सुख को जला डालता है। हाँ ये बात आपने सही कही दया भाभी। मैंने नहीं, माने कहा है सॉरी। देखिए रोशन भाभी, आपका गुस्सा होना जायज है लेकिन सोड़ी के पेट में कांच है। पोपटलाल भाई, एक बार बदन का दर्द बर्दाश्त हो सकता है लेकिन दिल का नहीं।
खोटाड़े झूठे हैं ये। बाहर ही जरा बाहर ही। आपको पता था ना सोडी भाई पार्टी कर रहे हैं, तो आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? बोलिए। अरे नहीं मुझे जरा भी कुछ मत बोलिए। और अय्यर तुम भी इस झूठ में शामिल हो ना। I am sorry, बबीता। कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगी, अब तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी तेरे चक्कर में मैं भी बद गया। बबीता, I am really very sorry. I am really sorry. मुझे क्यों सॉरी? नहीं नहीं मैंने आपको नहीं बोला बबीता जी, सॉरी हाँ मैंने माधवी को बोला, माधवी I am really sorry. No sorry, कर लो। मैं बच गया भाई आज। अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई, वरना मुझे भी मेरी पत्नी से ये सब सुनना पड़ता। पोपट भाई आपको पत्नी नहीं है लेकिन बहने तो है ना। आप जैसे दोस्त सूडी भाई को साथ देते हैं ना, इसीलिए वो पार्टी शार्टी करता है। और सोडी भाई कल रात आप झूठ बोल के बल्लू को समझाने गए थे ना। बल्लू नहीं, बल्लू का बड़ा भाई। सॉरी बल्लू के भाई को समझाने गए थे ना, तो रोशन भाभी बिचारी आधी रात को टेंशन में थी कि कहीं आपके और बल्लू के भाई के बीच में कहीं हाथापाई ना हुई हो। और आप तो वहां पार्टी में मजे कर रहे थे और रोशन भाभी की जान यहाँ गले में अटकी पड़ी थी। अरे भाई प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, सोटी के पेट में कांच अटका हुआ है। भगवान पत्नी से झूठ बोलने की सजा दे ही देते हैं। मुझे ये सजा कबूल है, पर रोशन तेरी नाराजगी नहीं, मैं आज के बाद कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। हर बार तू यही कहता है रोशन। ये आखिरी बार है रोशन। हर बार आखिरी बार ही होता है। दया पापी जी, अंजलि पापी जी और मेरी सारी पापियों, रोशन को समझाओ ना, मुझे सच में दिल से अफसोस है। सॉरी भाई आप हाथ मत जोड़िए, देखिए रोशन भाभी ये सोडी भाई को उनकी गलती का एहसास है। रोशन भाभी देखिए सोडी भाई ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, अब माफ कर दो ना। सॉरी रोशन, दिल से सॉरी। अय्यर तुम सॉरी नहीं कहोगे? बबीता आई एम सॉरी। रोशन भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी। और आप क्या सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिखने वाले हो क्या? सॉरी रोशन भाभी आई एम रियली सॉरी, आई शपथ में सोडी को आइंदा पार्टी में साथ नहीं दूंगा। मैं भी नहीं दूंगा। मैं भी अपनी तरफ से आप सबको सॉरी बोलता हूँ, वो काफी देर से मैं मन में बोल रहा था, वो आवाज बाहर नहीं आ रही थी। देखिए रोशन भाभी अब तो सबने सॉरी कह दिया है, अब तो सोडी भाई को माफ कर दो प्लीज। नहीं अंजलि भाभी, रोशन ने मेरा दिल दुखाया है, झुट्टू झुट्टू बोला है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रोशन तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगी ना, तब तक मैं मेरे पेट से कांच निकलवाने का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तेरी मर्जी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। चल कोगी। अरे रोशन, चल। रोशन, रोशन। अरे कोमल, रुको रोशन भाभी को, सोडी का ऑपरेशन करना जरूरी है। रोशन भाभी गुस्से में है, इस बार वो नहीं मानेंगे। चलो बोले। चलो सुनो, चलो। अरे माधवी, ए भाई सोडी तू क्या पागलपन कर रहा है भाई, तू ऑपरेशन करवा लेना। नहीं पिडो, जब तक रोशन मुझे माफ नहीं करेगी तब तक ये कांच मेरे पेट में ही रहेगा। अरे यार मैंने उससे झूठ बोला, उसका दिल दुखाया, उसको धोखा दिया। चलो घर। सोडी, एक डॉक्टर होने के नाते ये परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है तो मैं परमिशन नहीं लूंगा। क्या? और हॉस्पिटल का जो भी खर्चा ना मुझे बता देना, बाद में दे दूंगा। चलो यारो। ये नहीं मानेगा सोडी। ऑपरेशन कैंसल। अरे मेरे कपड़े तो हॉस्पिटल के।
हाँ कितना हुआ भाई साहब? कितना हुआ? क्या करता है भिड़ो? गोकुलधाम सोसाइटी आ गई लेकिन तेरी स्कूटर सोनी को पकड़ नहीं पाई, वो हमसे पहले पहुंच गया। रोशन 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 मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। रोशन प्लीज मुझे माफ कर दे रोशन। अरे ये सूढ़ी भी अरे अरे रोशन भाभी सोड़ी तो नादान है, आप तो समझदार है ना, माफ कर दीजिए इसे। रोशन भाभी सोड़ी के पेट में कांच है फिर भी वो हॉस्पिटल से भागता हुआ यहाँ पर आया है। हाँ वो भी नंगे पैर देखो। हाँ रोशन भाभी गुस्सा खा जाइए, मतलब पी लीजिए, मेरा मतलब है थूक दीजिए। रोशन भाभी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सोड़ी की हालत देखिए, प्लीज अपना गुस्सा कैंसिल कीजिए। रोशन सच में मुझे दिल से अफसोस है, मेरी प्रॉब्लम को समझ। पीने की? नहीं, ना नहीं कह सकने की। लाइफ में मैं कभी भी किसी को ना नहीं कह सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। हाँ ये बात तो है, हमें घुमाने ले जाने के लिए सोड़ी अंकल ने तुरंत आके दी। हाँ मेरे ख्याल से बल्लू ने इसको पार्टी करने के लिए फोर्स किया होगा, इसलिए पार्टी करने गया। अरे क्या ख्याल से पिडू, वो ऐसा ही हुआ था यार। और बल्लू ने जब मुझे पहली बार कहा कि हम पार्टी शार्टी के लिए जाएंगे तो मैंने उसे मना कर दिया था। रोशन उसने कहा कि अमरजीत पता नहीं कितने वक्त के बाद कनाडा से आएगा, इसलिए उसको ना नहीं कह पाया। एक मिनट छोड़ी भाई, मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी कभी ना कहना सीखना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। हाँ सोड़ी भाई देखो, आपके ना से कभी कभी सामने वाले को तकलीफ जरूर होगी, पर उससे आप बाद में होने वाले बड़े प्रॉब्लम से तो बच सकते हो। हाँ जैसे इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वैसे। और जितना ना बोलना जरूरी है ना, उतना हाँ बोलना भी जरूरी है। अब सोड़ी भाई को माफी के लिए हाँ बोल दीजिए ना। हाँ रोशन भाभी प्लीज। हाँ रोशन आंटी प्लीज, रोशन आंटी प्लीज। रोशन दिल से बोल रहा हूँ प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं रोशन मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रोशन भाभी मान जाइए ना, छोड़ दीजिए अभी। हाँ वो माफ कर दीजिए, क्या कोई मेरी रोशन को कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं समझाएगा। रोशन अब मैं तुझसे माफी भी नहीं मांगूंगा, तू अपनी जगह एकदम सच्ची है, तुझे मेरे जैसे इंसान को माफ भी नहीं करना चाहिए। अरे मैंने तेरा दिल दुखाया, तुझे सताया, तुझे तड़पाया, तुझको धोखा दिया, पेट में ये कांच रहे यही मेरी सजा है। अरे अरे पेट में कांच है। मेरे कुकुलधाम वासियों सॉरी, मेरी वजह से आप सभी को तकलीफ हुई, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे रोशन से अब कभी तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कल यही खत्म होती है, मैं जा रहा हूं गहराज। दोस्तों कहा जाता है कि रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं,
लेकिन यहाँ हमारे मित्र रोशन सिंह सोढ़ी को यह एहसास हो गया कि कांच का टुकड़ा कांच जैसे नाजुक रिश्ते को और नाजुक बना सकता है। ऐसे हालात हैं अभी हमारे मित्र रोशन सिंह सोढ़ी के साथ, क्योंकि रोशन भाभी इस वक्त नाराजगी और गुस्से के उच्चतम शिखर पे है। सोढ़ी अफसोस कर रहे हैं, लेकिन करें क्या, समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी नाव अभी हालात के भंवर में फंसी हुई है। अगर कोई नाव समंदर में भंवर में फंस जाए तो बाहर निकल सकती है, लेकिन आदमी अगर हालात के भंवर में फंस जाए तो कैसे निकले। रोशन सिंह सोढ़ी इस जद्दोजहद में है कि इससे बाहर निकले कैसे। अब आपको क्या लगता है, इन दोनों रोशन में से कौन रोशन अपनी जिद छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा? आपको लगता है ये लोग अपनी सोच पे अड़े रहेंगे या रिश्तों की इस नाव को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त भंवर में फंसी हुई है? मैं नहीं जानता रोशन की जिंदगी रोशन होगी या उसमें अंधेरा होगा। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों में से कौन आगे बढ़ के इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन स्थिति बड़ी नाजुक है, बड़ी विकट है। प्रार्थना कीजिए हमारे मित्र रोशन सिंह सोढ़ी के लिए कि कोई अनहोनी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन मित्रों एक चीज जरूर होनी है, आपके घरों में हंसी। यहां कुछ भी हो, हमारा दावा है कि आप सिर्फ हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके लगाएंगे, आपके हंसी की नाव कभी हिचकोले नहीं खाएगी, क्योंकि आपके साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक ये सोचिए कि इन दोनों रोशन में से कौन आगे बढ़ के उनकी जिंदगी रोशन करता है। हंस रहे हैं। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।